और मुकामा में छोटे सरकार के नाम से फेमस इस शख्स के बारे में हम विशेष आपको क्या बताएं। ऑन कैमरा विधायक जी ने कई बार बताया है कि एक छोटे से उम्र में ही उन्होंने एक मामूली से केस में उनको जेल जाना पड़ा था। अपराध की इस दुनिया में आने वाले रास्ते जो है कहीं ना कहीं खुले रहते हैं, आना आसान है लेकिन जाना लौटना मुश्किल और नामुमकिन है। और मुकामा में छोटे सरकार के नाम से फेमस इस शख्स के बारे में हम विशेष आपको क्या बताएं। आनंद सिंह चार भाई थे, चार भाइयों में से सबसे छोटे आनंद सिंह थे। आनंद सिंह का बचपन भी सहज और सरल तरीके से नहीं बीता। ऑन कैमरा विधायक जी ने कई बार बताया है कि एक छोटे से उम्र में ही उन्होंने एक मामूली से केस में उनको जेल जाना पड़ा था। वहीं अनंत पढ़ने और खेलने की उम्र में जेल का यात्रा कर रहे थे। यह छोटी उम्र जेल यात्रा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनको जो है मुकामा और बार का अभिशाप मानने जाने वाले टाल का रास्ता पकड़ लेना पड़ा। वहीं टाल क्षेत्र में फसल की चोरी आम बात थी। वहीं जेल से लौटे आनंद सिंह ने टाल में डेरा डाल दिया। वहीं मन ही मन में बात तय हो गई कि अब टाल में हो रही फसल को कैसे भी करके लूटने नहीं देंगे। इस मजबूत इरादे को देखते हुए आनंद सिंह के हाथ में कलम की जगह हथियार थामना पड़ा। वहीं पिता कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। गांव के समानतों के खिलाफ जो है पिता ने मोर्चा खोला। आनंद सिंह ने पिता के दुश्मनों के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हथियारों से दोस्ती और आनंद सिंह की तेवर देखकर घर के लोग खुश नहीं थे। वहीं बता दे आपको कि बंदूक के धमाकों से लोगों के दिलों में जो है पैदा होने लगी डर और दहशत। वहीं आनंद सिंह को एक रुबाब हासिल हुआ। वहीं लगातार कच्ची सी उम्र में जो है मिले इस रुतबे से आनंद सिंह खुश होकर अनजाने अनजाने में जो है आनंद के कदम अपराध के अंधेरे जो है दुनिया में बढ़ गए। वहीं आनंद सिंह को पता नहीं था कि अपराध की इस दुनिया में आने वाले रास्ते जो है कहीं ना कहीं खुले रहते हैं, आना आसान है लेकिन जाना लौटना मुश्किल और नामुमकिन है। वहीं बता दे आपको कि इसी बीच आनंद सिंह के बड़े भाई रंजीत सिंह की हत्या स्थानीय अपराधियों ने कर दी, जिसके बाद भाई की हत्या से विचलित आनंद सिंह ने मानो सराफत की दुनिया ही छोड़ दी। वहीं बता दे आपको कि जिसके बाद सराफत से जो है नाता ही तोड़ लिया। वहीं परिवार के अंदर चल रहे मनमुटाव का भी आनंद सिंह पर बुरा असर पड़ा। आठवें दशक तक लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर जो पहचान और रुतबा आनंद सिंह ने हासिल किया था, उसके बाद राजनीति महत्वाकांक्षाओं को भी जन्म से जो है कहीं ना कहीं आनंद सिंह ने दे दिया। वहीं 1990 में पहली बार अपने बड़े भाई दिलीप सिंह को आनंद सिंह ने मुकामा से विधायक बनवाने में जो है कहीं ना कहीं कामयाब हुए। वहीं 1995 में विधानसभा के चुनाव में यह सफलता फिर से दोहराई आनंद सिंह के भाई ने। वहीं बता दे आपको कि इस जीत के बाद आनंद सिंह का कद और बढ़ा और लालू प्रसाद के जो MY समीकरण है उसके खिलाफ मुकामा से दिलीप सिंह दूसरी जीत आनंद सिंह की एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। वहीं दिलीप सिंह जो है पटना में मंत्री भी बने। स्थानीय लोग तो यहां तक बताते हैं कि बड़े भाई दिलीप सिंह नाम मात्र के विधायक थे, क्षेत्र में असली पैठ और पहचान आनंद सिंह की ही थी। लेकिन सन 2020 में चुनाव में दिलीप सिंह को अपने पुराने साबिर और उभरते हुए डॉन सूरजभान सिंह से करारी हार मिली थी। राजनीति में हिचकोले खाने के बावजूद आनंद सिंह अपने भाई को कुछ ही दिनों बाद विधान परिषद में भिजवाने में कामयाब हो गए। वहीं बता दे आपको कि आनंद सिंह का डंका बार से निकलकर पटना में भी बजने लगा। सुबह के बड़े नेता अब आनंद सिंह पर डोरे डालने लगे, या कहें बड़े नेताओं के बीच आनंद सिंह को अपने साथ ले लेने की जो है होड़ सी मच गई। इधर आनंद सिंह सन 2000 के चुनाव में मिली हार को भुला नहीं पाए। भाई को विधान परिषद भिजवाने के बाद से ही हार का बदला लेने के लिए ही देखा जाए तो आनंद सिंह लगातार रणनीति बनाने लगे। लेकिन वक्त ने एक बार फिर आनंद सिंह को बंदूक के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पारिवारिक रंजिश के चलते घर के आंगन में जो है खून की होली खेली गई। वहीं चचेरे भाई के भाई से जो है गोली चली। वहीं आनंद सिंह घायल हो गए और अस्पताल पहुंचे और फिर जेल भी जाना पड़ा 2005 के चुनाव के पहले।
वहीं बता दे आपको कि इस बात का आभास होने लगा था कि लालू यादव की 15 साल पुरानी सरकार को नीतीश कुमार जमीनी चुनौती देने वाले हैं। वहीं यह और जो है मार का खेल जो है शुरू हो गया। वहीं बता दे आपको सह और मार का खेल शुरू हो चुका था। वहीं पटना की जो है गड्डी के लिए हर दिन समीकरण बन और बिगड़ रहे थे। इस दौरान आनंद सिंह ने जेल में ही जो है उनकी गैर मौजूदगी में ही जो है एसटीएफ की टीम ने उनके घर पर छापा मारा। आनंद सिंह के साथियों ने जो है छापे का विरोध किया। दोनों तरफ से 8 घंटे तक गोलियां चली। वहीं एक एसटीएफ के जवान शहीद हो गए, 8 लोग मारे गए। गोलीबारी के निशान जो है आनंद सिंह के घर के दीवारों पर आज भी आसानी से गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। इस घटना के बाद गांव में दहशत जो है वो कायम हो गया, लेकिन आनंद सिंह की लोकप्रियता जो है उसको देखते हुए एक नया मुकाम मिला। 2005 के चुनाव में आनंद सिंह ने उसी मोकामा क्षेत्र से जीत का झंडा लहरा दिया। वहीं 2000 के चुनाव में उसके बड़े भाई जो है दिलीप सिंह को हार मिली थी। वहीं आनंद सिंह बातचीत के क्रम में स्वीकार करते हैं कि रणनीति उनके लिए नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा के इच्छा को देखते हुए वह रणनीति में है विधायक बने हैं। वहीं बात बता दे आपको कि विधायक बनने के बाद आनंद सिंह बाहुबली बन गए। वहीं बाहुबली आनंद सिंह का नाम एक लड़की की हत्या में घसीटा गया। वहीं मीडिया में बात आई तो आनंद सिंह का कहर मीडिया पर भी बरपा। हालांकि आनंद सिंह का कहना है कि मीडिया वालों पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया था, लेकिन कुछ लोगों की शरारत मात्र यहां व्यापारी से आम आदमी तक आनंद सिंह की शरण में रहकर खुश है। यह बताया जाता है आज की आसान जो है नहीं है, इस खुशी में मजबूरी और खौफ कितना हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 मीडिया।